नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 25 अगस्त 2021 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के द्वारा तृतीय भारत श्री अवार्ड का आयोजन किया गया। आयोजन में भारतीय उद्योग जगत पर चर्चा हुई और साथ ही काफी रस का आयोजन हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल, यूनियन मिनिस्टर भारत सरकार ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी व दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय गान द्वारा आयोजन का शुभारंभ किया। आयोजन में संस्था के संस्थापक गुंजन मेहता ने अपने सहयोगी प्रशांत अवस्थी सतक मंच संचालन आरंभ किया व सर्वप्रथम आयोजन में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत भी किया। इस आयोजन में औद्योगिक चर्चा हेतु गुरुग्राम के उद्योग जगत से जुड़ी भिन्न भिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें विशेषकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन सेक्टर 37 के अध्यक्ष के गांधी व कोषाध्यक्ष महेंद्र अरोड़ा, कातिपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पाल व उनकी टीम, गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से विनोद गुप्ता, उद्योग विहार एसोसिएशन से परवीन यादव व उनकी टीम शामिल रही और सभी ने आदरणीय मुख्य अतिथि को फूल अर्पित कर उनका स्वागत किया व औद्योगिक चर्चा में अपने विचार रखे। आयोजन में मंचा सिंह मुख्य अतिथि मंत्री महोदय प्रोफेसर संजय भसीन, डायरेक्टर हरियाणा कला परिषद नवीन गुप्ता, मार्गदर्शक नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल अनिल जर्दोन, सतीश गहलोत, दिल्ली अध्यक्ष NSWC ने देश के भिन्न भिन्न राज्यों से आए 13 महानुभावों को, जिनमें गौरी शंकर चौबे, सुरेंद्र सैनी, पंकज ग्रोवर, संजय झा, संदीप गुन, भानु प्रकाश मिश्रा, प्रोफेसर संजय भसीन, राजीव बतिया, मनवीर मधुर, ममता गायकवाड़, डॉक्टर पार्वती कुर्रे, डॉक्टर सुवर्णा लतलूरी, सैयद फयाज बुखारी, अनिल जरकर, गंगाधर रेड्डी, अभिनव बंसल को उनके राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिए भारत श्री अवार्ड से सम्मानित किया। आदरणीय मुख्य अतिथि मंत्री महोदय ने सभा को संबोधित करते हुए आयोजन में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को अभिनंदन करते हुए अपना आशीर्वाद दिया व उनके मंगल भविष्य की कामना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ये घोषणा की है कि हमें हमारे देश में उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कंप्लायंसेस को कम से कम करना है, जिससे भारत में उद्योग जगत को गति मिल सके और हम एक नए भारत निर्माण में अपना बेहतर योगदान दे सके। ये नया भारत है और यहाँ टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग कर हमें नए उद्योगों को लगाना और सुगम बनाना है। मंत्री महोदय ने नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के अध्यक्ष गुंजन मेहता व उनकी टीम को आशीर्वाद देते हुए कहा कि टीम NSWC वाकई एक बहुत ही बेहतर काम करी है और उनकी विशेषता ये है कि यह समाज के हर वर्ग को साथ लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी को ऐसे निस्वार्थ भाव से जन सेवा में लगी संस्थाओं का सदैव मनोबल बढ़ाना चाहिए और अपने संबोधन के अंत में उन्होंने भारत श्री अवार्ड प्राप्त करने वाली सभी अवार्डियों को आज पुरस्कृत होने पर बधाई दी और उन्हें निरंतर इसी तरह राष्ट्र निर्माण में संलग्न करने को संकल्पित किया। और इसमें औद्योगिक विकास पर चर्चा थी और काव्य रस के माध्यम से जो वीर रस के कवि है उन्होंने अपनी रचनाएं सुनाई। मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। जिनको अवार्ड मिला उनको धन्यवाद और ऐसी चर्चाओं के माध्यम से ज़रूर मंथन के माध्यम से अमृत निकलता है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा हों और मंथन से अमृत निकले, ऐसी हमारी शुभकामना है। क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया और मंत्री जी उपस्थित हुए, सभी लोगों को सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी सर्वप्रथम आप मीडिया साथियों को बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि इस आयोजन को सफल बनाने में आप मीडिया साथियों ने भी हमारे बहुत सहयोग किया है। देखिए, भारत श्री अवार्ड आज उसकी तृतीय एनुअल फंक्शन था हमारा और इस फंक्शन के अंदर हमने पहले की पूर्व की भांति 11 लोगों को सम्मानित किया है। आदरणीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने अपने शुभ हाथों से इन 11 उद्योगपतियों को समाजसेवी क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से जो आए थे उन्हें सम्मानित किया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग चाहे किसी भी फील्ड में हों, हम सभी को मिलजुल कर भारत देश को आगे बढ़ाना है और मोदी जी के विज़न को आगे लेकर के जाना है। मेरे साथ मेरे छोटे भाई हैं पुष्कर मेहता, इन्होंने भी एक शुरुआत की है नेशन प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड की, जिसमें इन्होंने एक ऐसी बुक का निर्माण किया कि देश की जो ऐसी हस्तियां हैं जो कुछ स्पेशल वर्क कर रही हैं उन्हें एक मंच प्रदान किया। मैं निवेदन करूँगा आप सभी से कि उनके बारे में भी प्लीज़ बात करें। प्लीज़ पुष्कर जी,
इसका क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि बताया गुंजन जी ने, हमारा जो राष्ट्रीय गौरव किताब पुस्तिका है, जिसको इंग्लिश में नेशन प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, उसमें हम देश के ही नहीं विदेश के भी ऐसे गणमान्य व्यक्तियों को शामिल करते हैं जिन्होंने सोशल बिल्डिंग में एक अच्छी योगदान नीति अपनाई है, ठीक है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाया है और साथ में सामाजिक काम में लोगों को आगे बढ़ाया है। इसी में हमने सब उनको सम्मानित किया है, जिसमें हम उनको मेडल देते हैं और साथ में एक सम्मान चिन्ह के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, साथ ही उनका जो नाम है हमारा पुस्तिका में लिखा जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश ये मैं यही देना चाहूँगा कि जैसे आपने काम किया है, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करेंगे हमेशा, हम आपका नाम लिखेंगे अपनी पुस्तिका में, आप बस काम कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम सदैव। ठीक, इस कार्यक्रम के आयोजन में आपका जो सहयोग रहता है देश के प्रति और संस्था के प्रति, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोगों को ये जो आप पंक्तियाँ देते हैं जो देश के हित में, और आज प्रधानमंत्री की जो चर्चा आपने की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्थाएं तो हज़ारों मिल जाएंगी और हज़ारों में उतने लोग नहीं होते। कोई व्यक्ति जब जुनूनी होता है, समर्पण से लगा होता है, तो इस तरह की संस्था बनती है और इस तरह के आयोजन होते हैं। और गुंजन मेहता जी से हमारा जो संपर्क है वो बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन जितना है वो बहुत लंबे से ज़्यादा प्रगाढ़ है। इनका जुनून है और इनका समर्पण देश के प्रति, इनका दृष्टिकोण जो है, जिस तरह के आयोजन करते हैं और इतने लोगों को जोड़ लेना, खासतौर पर उस समय जबकि लोग एक दूसरे से मिलना भी उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, मिलना भी नहीं चाहते हैं, उस समय इतने लोगों का इकट्ठा होना और मंत्री जी का आना, और तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में गुंजन मेहता जी ही नहीं, इनकी पूरी टीम बहुत बड़े स्तर पर अपने और कार्य करेगी। संस्था की तरफ से चार लाइनें, क्या देशवासियों को संदेश जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोले, जैसे आपने जिक्र किया था, या जितने भी कोरोना फाइटर्स हैं, इनका भी वही उद्देश्य है। मैं ये चार लाइनें इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये समय चल रहा है और ऐसे समय में जबकि हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, वहाँ इस तरह के बड़े आयोजन करना, दूर रहो सब, बार बार अपने हाथों को धोना भी, थककर कोई टूटे तो उसमें कुछ हिम्मत बोना भी, जो ये लोग कर रहे हैं, दूर रहो सब, बार बार अपने हाथों को धोना भी, थककर कोई टूटे तो उसमें कुछ हिम्मत बोना भी, नहीं असंभव कुछ दुनिया में सीखा है ये बचपन से, हम सब मिलकर यत्न करें तो हारेगा कोरोना भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन में देश के अंतर्राष्ट्रीय कवि मनवीर मधुर ने अपनी देशभक्ति कविताओं से सभा में एक अलग ही ऊर्जा का संचार किया और पूरा सभागार तालियों और भारत माता की जयघोष से गूंज उठा है। मिस इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। कटिहार में जल जमाव बहुत बड़ी समस्या है। नगर निगम पूरी तरह से नरक निगम है, साथ ही साथ हर एक गली मोहल्ले में यह तस्वीर आपको देखने को मिल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ कटिहार के मिर्चाई बारी स्थित शीतलास्थान वार्ड नंबर 8 की, जहाँ की तस्वीर देखने के बाद आप लोग कहेंगे कि आखिर ये लोग कैसे जी रहे हैं, क्यों इनको कोई देखने तक नहीं आता है, आखिर ऐसी बदहाली यहाँ के लोगों की क्यों सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर हल्की सी बारिश होती है तो घरों में पूरी तरह से पानी जम जाता है, पानी के साथ साथ पूरे कचरे भी घर में जमा हो जाते हैं और जिसके कारण गंदगी पूरी तरह से डेरा डाल देती है और यहाँ के लोग पूरे तरह से बीमार पड़ जाते हैं। आइए देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। क्या दिक्कत है? बारिश में डूबे हुए हैं और क्या, कोई देखने वाला नहीं है। रोड के बगल में, आईवी के बगल में, फिर भी पूरा गड्ढा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, सब रोड पर ही आ गया है। अब खाने पे मोहताज हो रहे हैं। अब काम करने जाएगा आदमी कि घर को अपना देखेगा? अब घर बहरा, अब क्या किया जाएगा? अब जो सरकार अब जो कर दे, हमारे बगल में हमारे सीएम चचा हैं, अब जो वो करे। अभी तक देखने कोई नहीं आया, अभी तक तो फिलहाल देखने के लिए कोई नहीं आया है। तो आप लोगों को कुछ मिला भी नहीं? अभी तक कहीं कोई कुछ नहीं, सब अपना अपना लगा के, जैसे पन्नी तिरपाल टांग के अपना रह रहा, जीवन व्यतीत अभी कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कोई कहीं नहीं आया। पर्सनल मांग क्या रहेगा? जो मतलब हमारे साथ साथ सबको सहयोग हो, और क्या, कुछ ना कुछ सबका कोई उपाय किया जाए। कौन सा जगह है ये? मिर्चाई वाड़ी शीतला स्थान सर्किट हाउस के पास। कितना नंबर वार्ड है ये? 8 नंबर वार्ड। क्या नाम हुआ? छोटे लाल सिंह मास्टर। हम लोग के घर में, सबके घर में इतना पानी आ गया है, कमर भर भर सब रोड पे खड़ा है। अब कोई नहीं, अब बारिश भी पड़ता है तो रोड पे भी वही हाल हो जाता है। अब कहीं कोई उपाय करे अब सरकार। हमारे आदमी तरस रहा है, ये कुछ मिल नहीं रहा है तो यहाँ रह करको नहीं रह करको रोडे पर रहना है, किसी को वोट देने से फायदा क्या है?
समस्या तो बड़ी बड़की है, समस्या महंगे तो कुछ समस्या नहीं है। आप लोग सोचिए विचारिए देखिए, मंदिर में भी नल नहीं है, न पानी के व्यवस्था है, कल भी नहीं गिरवा सकता है कोई, तो क्या कर सकता है। तो अभी जो पूरे तरह से डूबा हुआ, तो पानी वानी आप लोग कहाँ से पीते हैं? पानी यही उस महल्ला से बाल्टी बाल्टी पानी लेकर को हम लोग माल जाल तो पिलाते हैं अपने। बहुत परेशानी होती होगी। बहुत परेशानी है, ये पड़ासी की परेशानी हल कौन करने वाला है? क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार? सरकार को हम क्या मांग करेंगे, हम लोग तो कमा खा कर को खाइए रहे, जैसे अभी होता है। कम से कम पानी खिंचवा दे, नल के व्यवस्था करवा दे, टीबल के चाहिए, नहीं रहेगा तो कहाँ से पिएगा, खाएगा पिएगा, और इससे बढ़कर को क्या कर सकते। नल जल योजना से कुछ फायदा नहीं है? कुछ फायदा नहीं भी मिला है हम लोग। नल जल योजना में पानी आ रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब अभी बंद है, सरकार अपना अपना काम कर रहा है, हम लोग का क्या देखना सुनना है। हम लोग तो रिक्शा चलाते हैं, खाते हैं बाबू, रोड पर घूमते हैं, और समस्या हो जाता है कि एगो नल का पानी आता है तो ट्यूबवेल नहीं चलता है, मंदिर में भी ट्यूबवेल है तो वो भी खराब हो जाता है, कोई देखने सुनने वाले तो है नहीं, और इससे बढ़कर को क्या कहें। नहीं है कि देखिए पानी में सब आदमी डूबे हुए हैं, कोई देखने सुनने वाला है नहीं, गाय माल बकरा बकरी घर द्वार गिर गया है, कोई देखने सुनने वाला तो है नहीं, अब किसके पास में जाएंगे क्या कहें। पानी में रह कर को क्या कैसे गुजारा करेंगे, रोड पर घर द्वार लेकर को माल बच्चा लेकर को रोड पर खड़े हैं। कब से लगवाते थे पानी? ये पानी तो हो गया अपना एक डेढ़ महीना, कोई देखने के लिए नहीं, कोई देखने के लिए सुनने वाला कोई नहीं, किसको कहने जाए, कोई सुनने वाला तो है नहीं। कैसे रहते हैं आप लोग पानी में? इसी बना हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, रोड पर खड़ा होते हैं माल जाल को लेकर को, यहाँ घर देखते हैं घर द्वार गिरा हुआ है, पानी सब आदमी खड़े हुए हैं, इसमें कोई देखने सुनने वाला तो है नहीं। रोड पर रहते हैं, पानी तो नहीं, पानी तो नहीं लगा करके रोड पर खड़े हैं। कौन सा जगह थे? शीतला स्थान मिर्चियाबाड़ी। कितना नंबर वाले? 8 नंबर वाले। क्या नाम होते? हमारा नाम श्री राम कृष्ण। अभी क्या खा रहे हैं? मुड़ी खाते हैं, सब बीत गया है, सब चीज दहा गया है, खाना बनाने कोई सुविधा नहीं है, नहीं है। अभी रहते कहाँ? पानी जैसे पानी भरा हो तो कहाँ रहते? पानी में रहते, तो डर लगता होगा, सांप है बहुत सारा, कीड़ा मकोड़ा है। देखिए ना, खाना नहीं खाएगा, सूखा पुखा खा के रहेगा, घर जाके देखिए ना, घर में हर साल यही सिस्टम होता है, पानी आता है, लेकिन कोई भी मुखिया बने या कोई भी पद पे जाए कोई ना कोई चीज खाता करता है, मुखिया भी कोई हेल्प नहीं कर रहा। कौन सा जगह, जगह का नाम क्या है? वार्ड नंबर 8। हर साल यही होता है, लेकिन फोटो खींच के ले जाता है, कुछ भी नहीं देता है। हम से कहते हैं कि ऐसे बोलते हैं, हम लोग का कुछ करने का औकात है, हम लोग का औकात है नहीं कुछ करने का, हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं, पानी आता है, बाल बच्चा को इतना तकलीफ होता है, ट्यूबवेल पर तकलीफ, हर चीजों का तकलीफ होता है, क्या करता है? कुछ नहीं। जब इलेक्शन को टाइम आता है तो हर चीज करने लगता है, इलेक्शन खत्म हो जाता है तो पब्लिक को इज्जत खत्म हो जाता है, सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद आते हैं। बेटी का घर भरे छे, देखिए नाला बनाया हम लोग के, नाला में पानी आ रहा है, आंगन देखा जाता है, डूबते हैं हम लोग, पिलसिंग मिले नारू कुछ मिले, हम लोग इतना गरीब आदमी है, मगर गरीब को लाभ उठाता है पैसा वाला आदमी। ये आप लोग के साथ कब से ये समस्या है? बहुत दिन समस्या है, बहुत दिन पानी रह गरम रह परखना पानी, देखिए उस महल उस इसका निदान कभी नहीं हुआ ना, 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 ना। बोला ना, जब इलेक्शन को टाइम आता है तो बोलता है कि हम लोग ऐसे करेंगे उसे करेंगे, इस बार जीता के देखो ये करके देखो, और जब इलेक्शन खत्म तो कोई निर्णय। कोरोना वाला होले सबका बांट लगा, आपसे अभी तक कोई मिलने आया? इतना दिक्कत नहीं, कोई नहीं, कोई आश्वासन भी देने नहीं, कोई नहीं। क्या नाम होगी आपका? अनीता देवी। इस जगह का नाम क्या है? मिर्चियाबाड़ी शीतला स्थान। वार्ड नंबर 8। घर भाग रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। कोई आया नहीं मिलने आपसे? कोई नहीं आया तो मिलने के लिए, तो कहाँ को आईबे ने कर दिया, क्या करें? कोई सुविधा सरकार की तरफ से? सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कब से लगा हुआ पानी? ढेर दिन हो गया, जब से बारिश गिरा तब से पानी घुस गया, जाकर सब से हम लोग रोड पर भाग रहे हैं, रोडे पर रहते हैं, कोई साधन नहीं है रहने का। पानी नहीं, ट्यूबवेल भी तो डूबा हुआ है, तो कहाँ से पानी है दुनिया में? पानी कौन नहीं पीता है, ट्यूबवेल का पानी घिसा हुआ। पानी कहाँ से पीते हैं? पानी वहाँ रोड पर जाते हैं, वहाँ कहीं किसी का ट्यूबवेल देखे तो नहीं भर के ले चला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागेश्वर पासवान है।
इस जगह का क्या नाम है? निचारी शीतला थाना है। वार्ड नंबर 7 है। 8 8 8 8। मिसन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।